चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, कुमार मंगलम से, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 27 है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। तो कुमार मंगलम, सबसे पहले तो आपको इस 27 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय महादेव सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और कुमार के बारे में बताना चाहूंगा, इन्होंने ड्रॉप लिया था, भोपाल रह के 1 साल प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे से मेहनत की और आज इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो कुमार मंगलम, आपकी जो सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा कि वो बिल्कुल आप इंटायरली बताओ, क्योंकि कई बच्चे जो ड्रॉप लेने से डरते हैं या फिर बहुत सारे स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं दिमाग में। तो आपकी इंटायर कब आपने सोचा था, फिर किस ढंग से आपने प्लान किया और क्या आपकी इंटायर जर्नी रही? सर, लाइक 2023 में मैंने ऑलरेडी पेपर दे रखा था, मैंने ऑलरेडी सेल्फ तैयारी की हुई थी, बट उस समय मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई। लाइक 649 थी ऑल ऑल इंडिया रैंक, बट वही होता है कि जनरल कैटेगरी था तो मेरा हो नहीं पाया किसी कॉलेज में, ठीक तो है, लाइक बहुत क्लोज आके मैं नहीं हो पाया। लाइक 358.5 नंबर थे आई गेस, और 360 पे एडमिशन था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 2.5 नंबर से, मतलब 2 नंबर के आसपास आप रुके, और इनफैक्ट 8 रैंक के आसपास आपको एनआईटी अगरतला मिल जाता, पर वो नहीं Yes, हुआ। कहते भी है ना, जो होता अच्छे के लिए होता है, तो उस एनीवे टाइम हाँ मेरे पे बहुत लाइक डीयू के चांसेस थे, बीएचयू के भी चांसेस थे, जेएनयू के भी थे, ओके बट मेरे पापा ने पूछा कि तुम्हें क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे ड्रॉप लेना है, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ इससे ज्यादा, और मेरे माइंड में वही था, तो मैंने और ड्रॉप का माइंड बनाया और फिर मैंने इम्पेटस ज्वाइन किया। तो भोपाल की इंटायर जर्नी कैसी रही, क्या एक्सपीरियंस था आपका? तो भोपाल में लाइक जनवरी में आया था 2024 के, लाइक स्टार्टिंग में तो सब कुछ मेरे लाइक सब कुछ जीरो से ही स्टार्ट करना था। सबको लगता है कि मेरे को ऑलरेडी लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था, बट नहीं, मैं जीरो से स्टार्ट किया वापस से। मैंने पहला मॉक दिया तो मेरे 200-300 नंबर ही आए थे, कुछ स्पेशल नहीं हुआ, तो बट वही है कि मैंने धीरे धीरे सीखा चीज़ों को कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अपने आप को। मैं चेक करता था कि मैं एक्चुअली अभी कहाँ पे हूँ और मुझे कितना इम्प्रूव करना है चीज़ों में, तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा हेल्प की। आपसे मैं हर महीने मिलता जरूर था कभी ना कभी कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, कैसे इसको डील करूं, और आप मुझे हमेशा अच्छे से गाइड करते थे। तो कुमार, आप ये बताओ कि आपने जब ड्रॉप लिया, तो उसके बाद ड्रॉप लेने के बाद पूरा इंपिटस में पढ़ाई करी, घर पे पढ़ाई करी, फिर भोपाल आके क्लासरूम में पढ़ाई करी, इंटरेक्शन हमारा रेगुलर होता रहता था, तो बीच में यस सर, कभी कोई स्ट्रेस आया, और अगर आया तो उसको कैसे हैंडल किया? स्ट्रेस तो सर नॉर्मल है, वो तो आएंगे, वो तो हमेशा आएंगे जर्नी में, तो बट आपको उससे हैंडल करना आना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी जर्नी को बेकार कर सकता है बिल्कुल भी। लास्ट ईयर वही सीन हुआ, लास्ट पॉइंट था मेरा प्रिपरेशन का, तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस हुआ कॉलेज का, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल्स भी थे, मेरे टेस्ट भी थे, तो मैं मैसअप कर गया उस चीज में, और इसलिए मेरा रिजल्ट बिगड़ गया। वही चीज मैं इस ईयर नहीं करना चाहता था। मैं जब भी स्ट्रेस लेता था मैं आपको बताता था मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे इसको हैंडल करूं, आप मुझे अच्छे से गाइड करते थे हर बार। मैंने उन चीजों को भी अपनी लाइफ में रूटीन में उतारा, तो मेरी लाइफ एक्चुअली बेटर हुई, मेरी स्लीप बेटर हुई, मेरे हैबिट्स बेटर हो गए, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर। और स्ट्रेस हैंडल करना सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, कोई किसी और वे में हैंडल कर सकता है, कोई किसी से बात करके हो सकता है, मैं चुप हो जाता था। जैसे मुझे स्ट्रेस होता था तो मैं थोड़ा बैक आउट कर जाता था, पढ़ाई को छोड़ देता था, थोड़ा इधर उधर घूम लेता था, फिर वापस अपने जोन में आके फिर से पढ़ना स्टार्ट हो जाता। तो ये बताओ, जब आप एग्जाम दे रहे थे, पेपर दे रहे थे, क्योंकि नया पैटर्न था, क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे, हमने पर इनफैक्ट टेस्ट सीरीज में इस तरह की बहुत प्रैक्टिस की थी, हर लेवल का पेपर किया था, तो यस सर, एग्जाम के दौरान क्या क्या थॉट्स आए? क्योंकि कई लोग, आपने नोटिस किया इस बार कुछ बच्चों ने रॉन्ग ज्यादा कर दिए या स्ट्रेस नहीं ले पाए, मतलब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए पेपर का, तो क्या 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 सिचुएशन हुई? क्योंकि मन में, दिमाग में तो कहीं ना कहीं था कि ड्रॉप है, अच्छा करना है। और वो तो होता है एक्चुअली, जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मेरी हैबिट मॉक से ही बन गई थी कि मैं 5 मिनट में सारा पेपर मैथ्स का देख लेता था, 1 to 50 questions, तो मुझे इतना पता चल गया था कि पेपर बिल्कुल नया है, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। एक ही क्वेश्चन था जो मेरे हिसाब से मुझे याद ही था, वो मैंने टिक कर दिया, 5 मिनट में एक क्वेश्चन टिक किया, मुझे इतना पता चल गया कि पेपर तो रिपीटेड नहीं है, और मैंने 20 questions फर्स्ट राउंड के लिए मार्क कर रखे थे। बट वो सर स्ट्रेस आया मेरे को, एक टाइम ऐसा आया जब मेरे लाइक शिवरिंग हो रही थी बॉडी में, मेरे बॉडी शिवर हो रही थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो चीजें रिपीट हो गई, तो लास्ट ईयर का अगर जो सर्कमस्टांसेस थे वो रिपीट हो गए, तो वो सब कुछ आ रहा था मेरे माइंड, तो मैंने उस टाइम पे 1 मिनट के लिए ब्रेक लिया, पानी पिया, डीप ब्रेथ ली, फिर वापस पेपर देने बैठ गया। तो पहले वो 20 questions जो मेरे थे वो 30-35 मिनट में बने, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट आया कि ठीक है अब मैं कर सकता हूँ, तो बाकी के जो रिमेनिंग टाइम था 30 मिनट्स, वो मैंने फिर उसमें 15-16 questions बनाए मैथ्स के,
और उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टफ एंड पे थे बट मैंने उनको बना दिए, तो वो भी मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ वहां पे। क्योंकि मैंने, अगर मैं सोच लेता कि अगर मुझसे नहीं होगा तो नहीं ही होता सर, क्योंकि बहुत बच्चों ने इसी रीजन से पेपर बिगाड़ा है। वो मुझसे भी बेटर कर सकते थे बट उनका रीजन ये था कि वो पैनिक हो गए लास्ट मोमेंट पे और मैं पैनिक नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात बोली कुमार आपने। अच्छा अब मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अब जिन बच्चों की बाई चांस रैंक नहीं आई है, जो ड्रॉप लेने वाले हैं, उनको आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि वो किन बातों को सबसे ज्यादा ध्यान दें, अपनी पढ़ाई का क्या रूटीन रखें, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा, पहले श्योर हो जाओ कि ड्रॉप लेना है या नहीं। अगर आप 100% श्योर हो कि आप अच्छा कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, तो आप पक्का ड्रॉप लो, कोई उसमें गलत बात नहीं है। बट अगर आप 90% श्योर हो, आपके बीच में डाउट आ रहा है कि यार अगर पेपर ऐसा कुछ आ गया, फिर आप मत ही लो, कोई कॉलेज ले लो, आप कोर्स ज्वाइन कर लो, बिकॉज वो एक ईयर वेस्ट ही हो जाएगा अगर आप 100% से नहीं दोगे अपना। और बिल्कुल वो सही चीज़ बात है कि अगर आपको अपने ऊपर शंका है तो फिर आप बिल्कुल मत लो। मैं भी यही कहता हूँ, अगर ड्रॉप लेना है और ये डिसीजन को सही बनाना है तो अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर आपने अपने ऊपर जरा भी 1% भी डाउट किया तो वो पेपर तक वो डाउट बना रहता है और वहीं से जाके पूरी प्रॉब्लम होती है। सर वही होता है लास्ट मोमेंट पे, जैसे LR में बहुत बच्चे पैनिक कर गए, बट अब जो भी बच्चा 2025 के लिए पढ़ेगा वो पेपर देखेगा, LR का पेपर उतना टफ नहीं था जितना बच्चों ने बिल्कुल बनाया। सही, मैंने सर वही जो मैंने को रूटीन में चला रहा था, टॉपिक वाइज टेस्ट मैं रीजनिंग के करता था, मैंने टफ ईयर्स के जो रीजनिंग के थे उनके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे रीजनिंग बहुत ईजी लगी इस ईयर की। मेरे 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे, भले ही 7 गलत हो गए बट मैं हैप्पी था अपने परफॉर्मेंस के, मेरे 34 अटेम्प्ट हुए, वो चीज मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गई। आपका कुमार क्या स्कोर रहा, क्योंकि हर बच्चा स्कोर जरूर जानना चाहता है। सर 608 मार्क्स है मेरे टोटल। ठीक है, और देखिए 608 मार्क्स पे 27 रैंक है, यानी आप 60% के आसपास, 61% के आसपास लेके आए और आपकी 27 रैंक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि आप अपने ऊपर बिलीव करो, सिचुएशन को हैंडल करो। वही जैसे स्ट्रेस हुआ, डीप ब्रीथ ली, पानी पिया, फिर चालू हो गए। क्योंकि अगर आप उस प्रेशर को हैंडल करते रहोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप होगा। तो कुमार आपने बहुत अच्छी रैंक अचीव की, वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आप आने ही वाले हो, अवार्ड सेरेमनी में हम यस फिर सर, थैंक मिलेंगे, हमारा साथ यू रहे। सो और मच इस सर। अब आप त्रिची भी जाओगे, वहां पर भी ऐसे ही परफॉर्म करो अब, क्योंकि एक सक्सेस आगे की कई सारी सक्सेस के रास्ते खोलती है। अभी तो आपने ये रैंक अचीव की है, प्लेसमेंट में भी ऐसी हाईएस्ट पैकेज लो और ऐसे ही आगे बढ़ो और अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को मोटिवेट करते रहो। थैंक यू सो मच सर, आपके थैंक यू बिना ये बेटा, पॉसिबल नहीं था सर। थैंक थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यू सर।